रीजन के लिए कितने लोग रहना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, विडंबना ये है कि बिना बिल पर चर्चा हुए, बिना शायद उसको पूरी तरह से पढ़े हुए, माननीय सदस्य इस पर अपनी निष्कर्ष भी दे रहे हैं, टिप्पणियां भी दे रहे हैं। आई मे नॉट बी एज लर्नर्ड एज ओवैसी साहब और प्रोफेसर सुगाता दादा, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड फ्रॉम माई लर्निंग आई अंडरस्टैंड ईदर यू लेट इट गेट इंट्रोड्यूस्ड एंड टेक इट अप फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कस ईच ऑफ दीज पॉइंट्स विच यू हैव रेज्ड थ्रेडबेयर। शॉर्ट ऑफ दैट, इफ यू वॉन्ट मी टू रिस्पॉन्ड, दैट विल अमाउंट टू जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द एंटायर डिस्कशन। नाउ For example, even if it has to be sent to the standing committee, we have to have the reasons for doing that. Now, let me tell you, for example, because I don't want to get into the discussion, then it will amount to replying the bill discussion as such. अब ये कहा जा रहा है कि साहब ये competency नहीं है, ये bill circulate ही नहीं हुआ। This amounts to challenging the discretion and the authority of the honourable speaker's chair. बिल सर्कुलेट हुआ, अध्यक्ष जी ने ये मुनासिब समझा कि उसको इंट्रोडक्शन के लिए लाया जाए, आप वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब बताइए आप इसका क्या उत्तर है? अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप उनकी सैलरीज में दखल दे रहे हैं। भाई बिल तो ये कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में रूल बनाने का प्रावधान नहीं था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस, दैट विल कम इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन एंड अमेंडमेंट विच ऑथोराइजेज द गवर्नमेंट टू फ्रेम द रूल्स। सैलरी कितनी हुई है तो भी चर्चा ही नहीं आई, वो बात सारे जमाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उन पर बड़ी नागवार गुजरी है। हाउ हैज ओवैसी साहब अज्यूम्ड कि हम सैलरी कम करने लगे? अब ये तो बात होगी ना, चर्चा आएगी ना। अरे साहब चर्चा, देखिए अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा होगी। थर्डली एज शशि थरूर जी राइटली पॉइंटेड आउट दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Now, if we accept that this is a statutory body, then let it be a statutory body. Yes, but now since you are a law-knowing person, but without being a law-knowing person, I'll just read out to you a number of judgments which I thought would not come handy in the introduction itself. What is the difference between a statutory tribunal or a statutory commission and the judiciary body on the other hand? The judgment State of Gujarat versus Gujarat Revenue Tribunal. वो भी आएंगे। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एन अथॉरिटी में माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, जब मैंने सभी माननीय सदस्यों को मौका देता हूँ, माननीय सदस्य ये नहीं, आप बार बार खड़े होंगे तो इस तरीके से चेयर से परमिशन नहीं मिलेगी, आप इंटरप्ट नहीं करें। माननीय मंत्री जी, मैं पूरा माननीय मौका देता हूं मैं आपको। अध्यक्ष महोदय, बहुत समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, परंतु केवल ये धारणा दूर करने के लिए, ये तय चुका है, इट हैज बीन डिबेटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ नॉट वंस टाइम एंड अगेन। An authority may be described as a quasi judicial authority if it possesses certain attributes, but it cannot be taken as a court. So this is a statutory body. How can you equate it with the Supreme Court? How can you equate it with an election body? Then you have now I didn't want to go into all this because we have a lot of time to discuss. A person manning a tribunal or a commission in this case cannot claim parity or privileges at par with high court judges. In this case, it is a Supreme Court judge, not even high court judge. And this is from Chandra Kumar versus Union of India, 1997. So these are the status which I'm not going today. I'll get into that. Now, as far as we are concerned, now, let me come back to the spirit of it. As far as the Modi government is concerned, हमारी प्रतिबद्धता पर कोई उंगली ना उठाए, कोई संदेह ना करे। आपको याद होगा 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें यह मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नर मिनिमम गवर्नमेंट, और उसके लिए क्या अनिवार्य है? पारदर्शिता हो, नागरिक भागीदारी हो,
ease of governance ho. This amendment is meant to bring about institutionalization of RTI Act, streamlining of RTI Act, and ease of delivery. On the contrary to what you are saying, this is rather going to strengthen the RTI structure as such. There is no interference with the RTI. अब हुआ क्या है जो कहना मैं नहीं था चाहता क्योंकि मैंने सोचा पहले ही विवाद शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी दो दिन हमने झगड़ा करना है इस पर कहीं उत्साह में जल्दी जल्दी आरटीआई बनाने के या शायद समय का अभाव था तो रूल्स बनाए ही नहीं गए. अब इसमें क्या कसूर है? हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं और सुन नो तो वी हैव कम टू द पार्लियामेंट. वी हैव कम टू द पार्लियामेंट. नो आई एम नॉट हियर. वी हैव कम टू यू आर द पार्लियामेंट. We have come to you. Are you not parliament? Are you not parliament? Now tell me. अब क्या हुआ? उस अफरा तफरी में रूल बनाए नहीं गए और ये अधिकार भी नहीं रखा कि रूल बनाने हैं कि नहीं बनाने. So we are bringing in amendment. So in other words, to put it in brief, I would say that this is rather an enabling legislation for administrative purposes. And जहां तक कहा गया जी consultation ही हुई. Due consultation was done with the legal affairs department, the legal department. अब ये कहा जा रहा है कि आप है ना पार्लियामेंट, आपके पास आए हैं ना. अरे तो आप तभी तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कंसल्टेशन के लिए तो आए हैं. अब आप देखिए, हमने पिछले पांच साल में आरटीआई एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है. हमने आरटीआई का पोर्टल बना दिया. आप क्या छोड़ गए थे? 10 से 5 आरटीआई होता है. आज आप अपने मोबाइल ऐप से 24 घंटे, अगर रात को 12 बजे के बाद ज्ञान उदय होता है तो रात को भी आप आरटीआई डाल सकते हैं. ये हमने लाया 5 साल में. हम पर कौन आरोप लगा सकता है कि तुमने आरटीआई को कमजोर किया? हमने इसको ऑनलाइन किया, देश विदेश में बैठे हुए कर सकते हैं. सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट आप लाए थे, which says suo moto sharing of information in the public domain. वो नहीं हो रहा था. आज देखिए हमारी वेबसाइट इतनी सुचारू है. हमारे डीओपीटी में भी अगर कोई ऑर्डर होता है किसी अधिकारी का तो उस तक उसकी प्रति बाद में पहुंचती है, पहले वेबसाइट पर चढ़ी होती है. नई बिल्डिंग हमने बनाई. आप कह रहे हैं साहब आरटीआई प्रभावी पहले ज्यादा था. एक ऐसा समय भी आया कि 4-4 सदस्यों के साथ कमीशन चलता था. अब आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ. फिर एक ऐसा समय आया कि उसमें था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए इन दी सिलेक्शन कमिटी. वी वॉक्ड एक्स्ट्रा माइल. हमने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, अब हमारा कसूर नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला उस तरह का दर्जा. हमने कहा लेट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बी मेंबर. हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया. अब उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि और इसलिए लेट द बिल बी इंट्रोड्यूस्ड. जो भी होगा हम इसमें डिस्कशन में करेंगे. और मैं खुले मन से ये कहता हूं, वी आर ब्रिंगिंग इन दिस अमेंडमेंट 27 टू ऑथराइज द गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स. उसमें जो आपके सुझाव होंगे, किस तरह की सैलरी है, किस तरह की टेन्योर होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम दादा यू टेल मी नो वाई शुड लेट्स फर्स्ट डिस्कस. यू टेल मी हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस असेंबली एंड इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एंड सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर इक्विलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लिसन लिसन नो यू आर नॉट यू आर लिसन ओनली टू दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एसी साहब. यू रिएक्ट बिफोर द लिसनिंग टू द होल सेंटेंस. बट उसकी अगर जजमेंट को चैलेंज करना हो तो उसको चैलेंज करना हो तो आप हाईकोर्ट चैलेंज करते हैं. कभी होता है किसी दुनिया भर में ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है क्या कभी? सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की जजमेंट को अपोज किया जा रहा है हाईकोर्ट में. दैट इज द एक्ट यू हैव मेड. यू हैव मेड अ क्लमजी एक्ट एंड वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई इट. दिस इज अ क्लमजी एक्ट. इट इज डन इन हेस्ट. यू गेव द इंफॉर्मेशन कमिश्नर द स्टेटस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड एट द सेम टाइम लेफ्ट द प्रोविजन ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट. आप बताइए इसका कोई जवाब देगा? हम उसको सुधार ला रहे हैं. आई एम टेलिंग नो शशि जी विद एन ओपन माइंड आई एम सेइंग. आई एम नॉट कंटेस्टिंग व्हाट यू आर सेइंग. नो आई एम नॉट कंटेस्टिंग. नो वी आर विद एन ओपन माइंड to in order to improve upon this, okay. As I said, to streamline it, to make it more institutionalized, we will incorporate, but we have to